आपको डिस्क्राइब ही कर देता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं आर वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो इसको आपने अपने जेन में रखना है, जब भी आपने यानी कि अपनी वीडियो को पोस्ट करना है या आर वीडियो के ऊपर काम करना, तो ये आपने पोस्ट जो है ना अपने जेन में रखनी है। सबसे पहले चाहिए कि यू नीड एक्टिव रेडिट अकाउंट, कि आपके पास एडिट अकाउंट एक्टिव होना है। एक्टिव का क्या मतलब है कि आपका 100 मिनिमम जो है ना 10 लिंक करवा 10 कमेंट करवा होना चाहिए, और मिनिमम 7 डेज ओल्ड होना चाहिए। लेकिन अब ये 15 डेज हो गया, ये भी याद रखिएगा। तो लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि 100 लिंक करवा होना चाहिए और 10 कमेंट करवा होना चाहिए, और 20 टू 30 डेज ओल्ड हो तब आप अपने आर वीडियो के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपने वीडियोस के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। 20 टू 30 डेज मिनिमम आपका अकाउंट ओल्ड होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास चैनल है, ठीक है, उनमें से कोई भी आप रैंडम वीडियो उठाएं और उस चैनल की वीडियो आप सबमिट लिंक करके जो है ना जिस तरह आप पोस्ट करते हो उसके आर वीडियो के ऊपर सबमिट कर देते, सिंपल है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जब आप कोई पोस्ट कर देते हो वहां पर आर वीडियो के ऊपर, आपको मैंने बताया न्यू में शो होगी, ठीक है, न्यू में शो हो तो देन आपने उसकी बूस्ट के लिए एक दो यानी कि बूस्ट देने हैं, एक दो अपवोट करने हैं अपने डिफरेंट अकाउंट के साथ, ठीक है, जैसे मैं करता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है कि उसको 1 घंटे तक वॉच करना है उस पोस्ट को जो आपने की है, ठीक है। इस दौरान आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप बैठे रहो के देखते रहो, हाँ भाई ये पोस्ट हो चल रही है, जैसे भी है उसको बस देख ले रैंडमली 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद ये हमारी पोस्ट कहाँ पे जा रही है, जैसे कि। तो अगर 1 घंटे बाद उस पोस्ट के ऊपर 15 से 20 अपवोट्स आ जाते हैं और उसकी परसेंटेज जो है वो 80% से ज्यादा है, ठीक है, 80% से ज्यादा है अपवोटिंग परसेंटेज, तो सेकंड वीडियो अपवोट ना करें, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसी वीडियो से इतने रिजल्ट माशाल्लाह आ जाएगा कि आपको दूसरी पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। फिर दूसरा है जी कि अगर आपकी पोस्ट पे लेस देन 10 अपवोट्स आ जाते हैं, मतलब अपवोट्स उसके कम आते हैं, 10 नहीं है 15 नहीं आते हैं, यानी कि 6 आ जाते हैं 4 आ जाते हैं 2 आ जाते हैं, तो मतलब वो पोस्ट इतनी चली नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप दूसरी पोस्ट कर सकते हो लेकिन डिफरेंट अकाउंट के साथ, ठीक है। डिफरेंट अकाउंट लें और डिफरेंट चैनल लें और फिर आप पोस्ट करें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा ये वाला। उसके बाद है जी कि आपने जब 2 पोस्ट कर लेनी है अपने डिफरेंट अकाउंट के साथ या डिफरेंट चैनल के साथ, तो आपने उसके बाद एक काम किया करना है अपने अकाउंट से, यानी कि रेडिट का एक अकाउंट है आपके पास, उस रेडिट अकाउंट से आपने 2 वीडियोस पोस्ट कर दी आर वीडियोस के ऊपर, ठीक है। देन आपने क्या करना है, 7 टू 10 पोस्ट करनी है, ये इम्पोर्टेंट जो है ना क्या ना पॉइंट है, तो ये जेन में रखिएगा, 7 टू 10 पोस्ट करनी है डिफरेंट सब रेडिट्स पे, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंट सब रेडिट्स पे करनी है ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, मतलब अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए, ये ना हो कि आप जो है ना सिर्फ वीडियोस के ऊपर ही काम करते रहोगे तो आपका जो है ना अकाउंट बड़े जल्दी वो उड़ा देंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि आपका आप अपवोट आप खुद से नहीं करोगे जब तक आपका 3 मंथ ओल्ड हो, या आप इसको 1 मंथ भी कर सकते हो, ठीक है, 1 मंथ आपका ओल्ड क्रेडिट का अकाउंट हो तो आप अपने अकाउंट से अपनी अपवोटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है आप रेडिट के ऊपर काम करने का, इससे आप जो है ना इन चीजों को आप जब काम करना शुरू करोगे इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ये पोस्ट जो है ना मैं ग्रुप के अंदर भी कर दूंगा जब नेक्स्ट आज मैं टास्क दूंगा, ताकि आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखें आर वीडियो के ऊपर काम करते हुए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे आपके ये होगा कि आपको अकाउंट बचे रहेंगे और जो है ना आप इजीली आर वीडियो के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। अब जी मैं एक पोस्ट मैंने अपलोड किया ऑलरेडी, तो इसको मैं अब रेडिट के ऊपर पोस्ट करते हैं हम। कमेंट करवा तो इसका इंक्रीज है लेकिन पोस्ट करवा नहीं है, लेकिन स्टिल होपफुली जो है ना हो सकता है कि इसकी पोस्ट हो जाए, अगर नहीं होती तो फिर मैं दूसरा अकाउंट चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट की थी, ये सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है, इसका लिंक लूंगा मैं।
सबरेडिट है तकरीबन 12 मिलियन इसके व्यूवर्स होने वाले हैं, यानी सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और 15,000 अभी ऑनलाइन भी हैं। ठीक है, हम सबमिट अ न्यू लिंक पे क्लिक करेंगे। यूआरएल की जगह यूआरएल देंगे। यहाँ पर आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो, अगर टाइटल आप चेंज करना चाहें तो। ठीक है, वैसे मैंने वही टाइटल चूज किया है जो उसकी वीडियो का टाइटल है। ठीक है, उसके बाद सबमिट। ये अभी कह रहा है जी लो कर्मा, मतलब हमें 10 मिनिमम चाहिए कमेंट कर्मा इंक्रीज करने के लिए। अभी हम 10 बंदे बैठे हुए हैं, सबके पास रेडिट्स के अकाउंट हैं? सबके पास रेडिट के अकाउंट तो होंगे। मैं अभी एक पोस्ट करता हूँ, आप लोगों ने अपवोट करना है सबने। ठीक है, अपने अपने आप लोग तो साथ 10 करके इसके ऊपर। अकाउंट हाँ जी, या फिर मैं अभी ट्राई करता हूँ, अभी मैं स्क्रीन जो है ना पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाके ये मेरी वीडियो है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर पोस्ट किया, और अभी ये न्यू में शो हो रही है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो अभी मैं इसको अपने, ये अभी आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसको आपने जब भी पोस्ट पोस्ट करने के बाद आपने इसको वॉच करना है 2-3 मिनट्स तक, क्योंकि अगर तो इस वीडियो के अंदर या आपके अकाउंट के अंदर या आपके चैनल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर जो इसका एल्गोरिथम है वो जो है ना इसको उड़ा देगा, मतलब इसको खत्म कर देगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपने 2 या 3 मिनट तक इस वीडियो को लाजमी चेक करना है, रिफ्रेश करके चेक करते रहें कि जी आपकी वीडियो स्टे है या नहीं है। ठीक है, ये 3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो हमारी स्टे है। जब आपकी वीडियो स्टे कर जाए तो आपका दूसरा काम है कि आप इसको जो है ना अपने अकाउंट के साथ बूस्ट करना है, 3 से 4 अकाउंट्स के साथ। ठीक है, तो बूस्ट देने के लिए आपने जो है ना अपने दूसरे अकाउंट्स के साथ जो आपने रखे हुए हैं दूसरे ब्राउजर पे, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं 3 से 4 बूस्ट दूंगा, देन जो है ना हम इसका रिजल्ट देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ये जैसे ही राइजिंग में जाती है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका रिजल्ट भी अच्छा खासा फिर मिलना शुरू हो जाता है। चलिए, यहाँ से आगे भी रेडिट और वीडियोस का न्यू का मैं टैग खोलूंगा। ठीक है, प्रॉक्सी मेरी ऑन होगी, अकाउंट्स मेरे इसके अंदर ऑलरेडी हैं। इसको मैं एक दफा फिर तो रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। जी, स्टे है, 4 मिनट हो चुके हैं और स्टे है। ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको कि यहाँ से वीडियो डिलीट होगी, मतलब आपके 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी वीडियो जाना यहाँ से डिलीट होना शुरू हो जाए। उसकी 2-3 रीजन हो सकती है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका अकाउंट तो नहीं खराब, मतलब आपका अकाउंट तो डिसेबल नहीं है। ठीक है, उसको जैसे चेक करना है कि आप यानी कि ना दूसरे किसी बड़े चैनल की वीडियो लेकर ना उसको यहाँ पर पोस्ट करके देखो, यानी अपने चैनल की वीडियो नहीं, किसी बड़े चैनल की वीडियो। ठीक है, कोई भी वो अगर पोस्ट हो जाती है, फिर आप ध्यान में रखो कि आपका चैनल ओके है, लेकिन आपका जो सॉरी आपका जो अकाउंट है वो ओके है, लेकिन चैनल आपका खराब है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की कि चैनल आप अगर वो पोस्ट यहाँ पर शो हो जाती है जो आपने बिग चैनल से लेकर आपने पोस्ट की है, वो आपका जो है ना पोस्ट हो जाती है, शो हो जाती है, तो आपका अकाउंट ओके है, लेकिन चैनल बैन, आप डिफरेंट चैनल के साथ सेम अकाउंट से पोस्ट करो हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको एक दो जो है ना अपवोट करूंगा, देन हम आगे काम स्टार्ट करेंगे और इसका फिर रिजल्ट हम देखते रहेंगे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता। ठीक
क्या इसका सीन चल रहा है। आप रियल टाइम में भी देख सकते हो इसकी कि रियल टाइम में इसके कितने व्यूज आ रहे हैं, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि रियल टाइम में कितने व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको अपलोड करूंगा, साथ में अगेन आप लोगों ने अपलोडिंग के दौरान दूसरे सबरेडिट्स भी देखने हैं, और सॉरी दूसरी पोस्ट को भी अपवोट, किसी को डाउनवोट, किसी को अपवोट, ठीक है, ये लाजमी करना है। फिर अगेन प्रॉक्सी चेंज करें, प्रॉक्सी चेंज करने के बाद आपने फिर उसको जो है ना अपनी पोस्ट को अपवोट, बाकी किसी को डाउनवोट, अपवोट, ये आपने जो है ना प्रोसीजर करना है सेम। अभी मैंने यूके से किया, मैं यूएसए को चूज कर लेता हूँ, और अगेन मैं अपना दूसरा अकाउंट चूज करूंगा। ये आपको रेडिट का रिजल्ट दिखाने के लिए, ठीक है, मिनिमम भी मिनिमम अगर आपकी पोस्ट बिल्कुल भी थकी जाती है ना, मतलब बिल्कुल आपकी पोस्ट चली नहीं है समझ लो, ठीक है, तो उसके 1000-1200 व्यूज कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, 1000-1200 व्यूज कम से कम आते हैं यहाँ से, अगर आपकी स्टे पोस्ट कर जाती है 1 घंटे तक, ठीक है, लेकिन शर्त है स्टे करनी चाहिए, उसमें आपका अकाउंट एक्टिव बहुत जरूरी है, मतलब आपको अकाउंट जितना एक्टिव होगा उतना आपको जो है ना फायदा होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ आप इनको यकीन करें फोन के सिर्फ निकाल दीजिएगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे जाके आप लोगों ने फंसना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी अगर किसी को याद है कि ये पोस्ट कितनी देर बाद जो है ना राइजिंग में जाती है, कोई बता सकता है? चलो मैं देखता हूँ आज कि कितने लोग जो है ना ठीक से मुझे सुनते हैं, कितनी देर बाद ये राइजिंग में पहुंच जाएगी, ये जो अभी हमारी पोस्ट है, कोई बता सकता है कि नहीं, कोई मैसेज, कोई एक बंदा? तो सियासी जवाब दिया सर जब आप क्या कह रहे हैं थोड़ी देर बाद वो जी कह रहे हैं अरुण साहब कह रहे हैं एक आर नहीं जी, एक आर नहीं जी, अब बताओ ये तो हाल है, किसी को पता ही नहीं है कितनी देर बाद ये पोस्ट जो है ना राइजिंग में जाएगी। अच्छा जी ये हमारी 8 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ से भी मैं एक आध पोस्ट दे देता हूँ इसको, इसका भी मैं प्रॉक्सी चेंज करता हूँ, एक यूएसए से मैंने पोस्ट की थी, अब मैं इसको यूके ओपन कर लेता हूँ और अकाउंट जो है ना अपना चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से भी एक बोस्ट दे देते हैं, 4 टाइम बोस्ट जो है ना काफी है, नफ है, ठीक है। किसी ने नहीं बताया कि कितनी देर बाद पोल जो है ना वो राइजिंग में जाएगी, आप 12 दिन बताया कि 10 अपोर्ट हो जाए तो राइजिंग में चली जाए, नहीं 10 अपोर्ट नहीं आ जाएंगे, जरूरी नहीं है 10 अपोर्ट हो, ये अगर आपके 10 से 15 12 मिनट बाद 12 से 13 मिनट बाद ये राइजिंग में चले जाती है पोल्स, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और धन कितनी देर बाद वोट में जाती है ये भी बताएं, कोई इसके किसी को भी नहीं पता, हालात बड़े खराब है। अच्छा जी 8 मिनट हो चुके हैं, अभी मजीद थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे राइटिंग में आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट हम आज मैं कीवर्ड सर्च का आपको बताऊंगा, ठीक है, कीवर्ड सर्च के लिए आप लोगों ने कुछ टूल्स हैं वो देर में रख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा रेडिट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, अगर रेडिट को आप सीखना चाहते हैं तो इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज योर ट्रैफिक और योर वेबसाइट्स एंड जो बेसिक चीज है ना यूट्यूब, दोनों दोनों के लिए बेस्ट है,
कि आप व्यूज यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। ठीक है, 9 मिनट हो चुके हैं, अभी हम साथ में दूसरा काम करते हैं कि